सुनो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अभी हमें इस दुनिया के बारे में और भी जानना है। माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको परेशानी हुई। चिंता मत करो, अब हम इसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्यों ना थोड़ा और रुक जाए। क्या तुम्हारा नाम गुसुके है? मेरा नाम है जियान, और ये सब हम दोनों की गलती थी। जियान, ये क्या कह रहे हो? अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो थोड़ा और घूम लेते हैं। डोरेमोन, क्या तुम ये कैप हमें भी दे सकते हो? हाँ जरूर। हाँ? ये लो। हाँ, ये तो वुडपैकर है, ये तुम्हारे लिए ठीक है। अरे तुम भी कुछ बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो जी। तो इसमें हंसने की क्या बात है, बोलो। बस 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 शांत हो जाओ। आ जाओ दिया। उसे उड़ने से पहले जरा दौड़ना पड़ेगा। ये लो, मैं भी आ रहा हूँ। थोड़ा पीछे रह गया था। इस बारे में सोचना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसान होने की वजह से ही हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कमांडर सीग्रेड इंसानों से नफरत करता है। इंसान से? ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानों ने उसे गोली मारी थी। बर्डोपिया में हमारे पास एक बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रुप है, जिनका काम दुनिया भर में पक्षियों के प्रवास के बारे में जानना है। अपनी खास एबिलिटी के कारण परिंदे बिना घूमे कहीं भी माइग्रेट करते हैं, पर कुछ रास्ते में गुम हो जाते हैं। वो परिंदों को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें खतरे से भी बचाते हैं, और बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स यही काम करते हैं। और इसी तरह पेट्रोल करते समय एक बार किसी बेदर्दी इंसान ने सीग्रेड को गोली मार दी थी। बहुत बुरी बात है। उसके बाद से उसने इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया। वैसे तो बर्ड्स और ह्यूमंस को अर्थ पर मिलकर ही रहना चाहिए, और इस समय हमें ये चाहिए कि साथ कैसे रहा जाए। इस बारे में सोचना होगा। हम ह्यूमनॉइड बर्ड्स की तरह ह्यूमंस भी हमें पसंद करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए माफ करना। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरह बाकी इंसान भी अच्छे होते हैं, और इसीलिए गुसुके को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने सुनो गुसू प्रोफेसर के साथ में ही बनाया था। ऐसा नहीं है, ज्यादातर गुसुके ने ही बनाया। मैं तो सिर्फ आर्कियोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। तो शायद यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीजें हैं। इसे हाथ मत लगाना, हैरान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत पुराना स्टोन मॉन्यूमेंट है और बहुत आसानी से टूट सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्डोपिया की किस्मत बदलने वाली है। ये हमें पिछले साल तोमारीगी के नीचे मिला था। क्या तोमारीगी? इधर आओ, उसके बारे में बोल रहा था। उसके टॉप पर हमेशा बादल रहते हैं, इसे हम स्मोक बेल्ट कहते हैं। उसके अंदर अभी तक कोई नहीं जा पाया है। जब से ह्यूमनॉइड बर्ड ने जन्म लिया है, तब से तुम्हारे ही बढ़ता जा रहा है। ये कोई नहीं जानता कि ये कितना लंबा है और इसके ऊपर क्या है। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया।